अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो छठी सहरी और छठा रोज़ा। तो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, शेयरिंग कर ले ज़्यादा से ज़्यादा। बस ये पेनी रेडी कर ली थी, दूध वूध डाल लिया था इसमें, और सालन तो रेडी हुआ हुआ था। आलू गोश्त का सालन था, बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि मुस्तैन की फरमाइश पे ही बना था। मुस्तैन की थोड़ी तबीयत बेहतर हुई थी, और बस ये दोनों की मुस्तैन और अपनी चाय मैंने निकाल ली थी। तो आज थोड़ा मुस्तैन ने हमारे साथ जो है ना सहरी की, और खजर भी उठे थे क्योंकि रोज़ा रखता है खजर भी। और बस आज की सहरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे एडवाइस देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छा लगता है, अप्रिशिएट किया करें, शेयरिंग कर लिया करें, और जला मत किया करें। जो लोग जलते हैं वो जला मत किया करें। रमज़ान का महीना है, सेहत पे अच्छा असर नहीं होता है। और बस आजकल ऐसी ही रूटीन है, बस नमाज़ पढ़ ली थी खिज़र ने भी, मैंने भी, और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे। अच्छा जी, ये दोपहर की वीडियो है। कारी साहब आ गए थे, और कारी साहब जो है बच्चों को सबको कुरान पढ़ा रहे थे। और बस उसी टाइम जो है ना बच्चों ने जो है कारी साहब को सूट दे दिया ताकि वो स्टिच करवा लें, और काफ़ी खुश हुए वो जी। बस 3:30 बज रहा था और गैस आ गई थी। 3:30 बजे हमारी कराची वालों की गैस आ जाती है, कहीं की आती है, कहीं की पता नहीं कितने बजे आती है, वो मुझे टाइम नहीं पता। ये मैंने खोपरा डाला था, कंडेंस मिल्क डाला था, और मोहम्मद अली का दूध डाला था, सूखा जो दूध होता है वो डाला था। ये रेसिपी भी मैं कई दफ़ा व्लॉग में बना चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें दूध डाल दिया था। अच्छा जी, भी ब्रेड है और इसके साइड के मैंने निकाल लिए थे, ये दो ब्रेड ली थी मैंने, इनको ज्वाइंट कर लिया था। ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से इसके अंदर अच्छी तरीके से लगा लिया था, और इसको जो है मैंने रोल, जी हाँ, ये स्विस रोल की तरह रेडी हो गए थे। ऊपर से खोपरा और ये रूह अफज़ा डाल दिया था मैंने। उसके बाद मैंने जो है ना ये मैक्रोनी मैंने पानी में बॉयल कर दी थी, और कीमा मेरा रेडी हो रहा था। अच्छा जी, मैक्रोनी के लिए जो कीमा रेडी किया था, ये मैंने मशरूम भी इसमें डाल दिए थे, छोटे छोटे काट के डाले थे, बड़े वाले जो होते हैं ना बच्चे खाते नहीं हैं, मुंह में आते हैं, तो बस ये सब रेडी कर लिया था। ये भी बॉयल हो रही थी, और इसके अंदर जो जो आप सब्ज़ियाँ खाएं वो डालिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बच्चे दूसरी सब्ज़ियाँ नहीं खाते, बस यही दो खाते हैं, तो मैं यही दो डालती हूँ। सोया सॉस डाल दिया था, चीज़ के स्लाइसिस डाल दिए थे। अच्छा, मैंने कोई भी केचप यूज़ नहीं किया, गले सब के बहुत ख़राब हो रहे हैं। आज मेरा इतना ख़राब हो रहा था कि मैं मूसा को जो है ना तालियां बजा के जो है ना बोल रही थी, क्योंकि मुझसे आवाज़ भी नहीं निकली जा रही थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत बेहतर है। तो बस ये रेडी हो गई थी मेरी मैक्रोनी। बस टेबल सेट हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफ्तारी रेडी हो गई थी, और बड़ी ज़बरदस्त सी अफ्तारी थी आज की भी। स्विस रोल थे ज़बरदस्त से, बड़े मज़े के थे, यमी यमी से, सब बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। और कीमे वाली जो है मैक्रोनी थी चीज़ी चीज़ी सी, और ये चिकन के रोल थे, और ये हमारे खजूर थे, और साथ में चाट थी। तो सबने बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। सहरी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।